बारसोई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 173 लीटर शराब के साथ वाहन चालक और दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही शराब ले जा रही दो कारों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वाहन चालक और तस्कर पूर्णिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों पश्चिम बंगाल के दालकोला से शराब लेकर मधेपुरा जा रहा था। बारसोई के डीएसपी प्रेमनाथ राम ने बताया कि शराब को बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी थी, जिसको बारसोई पुलिस ने निष्फल कर दिया। उन्होंने बताया कि बारसोई थाना प्रभारी अरविंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तस्करों को खुरधार घाट में पकड़ लिया। अध्यक्ष बारसोई अरविंद कुमार को सूचना मिली कि दालकोला की तरफ से शराब का खेपाने वाला है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा अपना दल बल के साथ निकले थे छापामारी में। जैसे ही स्टेशन रोड के पास पहुंचे कि दालकोला की ओर से दो कार आ रहे थे, जिसे पुलिस गाड़ी को देखते हैं खुराधार की ओर भागने लगा, जिसे पीछा कर दोनों कार को पकड़े और तलाशी लिए। तो दोनों कार से आपको 20 पॉकेट का कार्टून आपका शराब मिला, जिसका कुल मात्रा 173.625 लीटर बरामद हुआ। इसमें कुल तीन आदमी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आदमी पूर्णिया के रहने वाले हैं। इसके अलावा इसमें और किसका किसका संलिप्त है, उसी बिंदी पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। इन लोगों को कारण अंकित कर जेल भेजा जा रहा है। मामले में बारसोई थाने में बिहार मद निषेध एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए तीनों गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया गया है। मोहम्मद मीनारुल, टाइम्स न्यूज, बारसोई।